Assalamu alaikum dear viewers, I am Feroz Shah, welcome to Physics with Feroz Shah. आज की वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 के पीएमसी सिलेबस के सारे मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. स्टार्ट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट. न्यूक्लियर फिजिक्स में आप जानते होंगे कि दो टॉपिक शामिल है, उनमें पहला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी. इसमें पहला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी और इसमें दूसरा टॉपिक है रेडिएशन. तो मैं दोनों टॉपिक के सारे मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो. लेट मी स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट अबाउट रेडियो एक्टिविटी इज कि ये क्या है. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? ये एक प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है और ये स्पॉन्टेनियस है. ऐसा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है. उम्मीद है आप जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है. लफ्जी माना लोग करते हैं कि खुद ब खुद, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब है विदाउट एनी इनपुट. वो प्रोसेस जिसके लिए इनपुट हमें जीरो देना पड़े. व्हेन वी प्रोवाइड नो इनपुट फॉर द प्रोसेस इट इज स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद होता है. सो रेडियोएक्टिविटी एक प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है, यानी इसका इनपुट जीरो होता है. और इसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है? इसके आउटपुट में हमें मिलता है रेडिएशंस. फोर डिफरेंट रेडिएशंस, मुख्तलिफ किस्म के चार रेडिएशंस हमें मिलते हैं. इस प्रोसेस में इनपुट हम कुछ नहीं देते और आउटपुट में हमें चार किस्म के रेडिएशंस मिलते हैं. कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं? एक का नाम है अल्फा रेज, एक का नाम है पॉजिटिव बीटा रेज और एक का नाम है नेगेटिव बीटा रेज और एक का नाम है गेमा रेज. ये चार किस्म के रेडिएशंस इसमें इमिट होते हैं. अब इन रेडिएशन का डिटेल क्या है पहले वो बता देता हूं. अल्फा रेज जो है इसमें बड़े बड़े पार्टिकल हैं, ह्यूज पार्टिकल होते हैं. पॉजिटिव बीटा रे में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव बीटा रे में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और गेमा रे में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं. गेमा रे आर कंपोज्ड ऑफ एनर्जी पैकेट्स. गेमा रे एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल है. अल्फा रे के अंदर जो पार्टिकल है इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं. टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन. हर पार्टिकल में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन. इसीलिए कहा जाता है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है. यानी अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम के न्यूक्लियस का नाम अल्फा पार्टिकल है. जब ये देखा गया कि पॉजिटिव रे क्या है तो इसमें पॉजिट्रॉन के सिवा कुछ नहीं था. हर पार्टिकल पॉजिट्रॉन था. नेगेटिव बीटा रे हर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था और गेमा रे जो था एनर्जी का पैकेट था. तो इट मीन के इसके अंदर क्या है? फोटॉन्स है. बिकॉज आइंस्टाइन ने एनर्जी के पैकेट्स को फोटॉन का नाम दिया था. ये तो इनकी हकीकत है. अब इनके डिफरेंसेस क्या है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या फर्क है? तो याद रखें कि अल्फा का जो मास है इसका आयोनाइजेशन मैक्सिमम होता है. चलो प्रॉपर्टीज थोड़ी देर बाद बता देता हूं. ये प्रोसेस किसके साथ होता है? व्हाट इज द सैंपल ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस का सैंपल क्या है, किस चीज के साथ ये प्रोसेस होता है? तो याद रखिए द सैंपल इज न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट. उस एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो. उन एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई इस प्रोसेस के सैंपल हैं, सोर्सेज हैं, रिजर्वायर हैं, वो इनके प्रोवाइडर हैं, वो इनके लिए सिस्टम है जो कि ये प्रोसेस करते हैं. और वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, इनकी वजह क्या है? व्हाट इज द काज ऑफ दिस प्रोसेस? रेडियो एक्टिविटी का काज क्या है? सो याद रखना द काज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. द काज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब इनके डिफरेंसेस करते हैं प्रॉपर्टीज में. रेडियो एक्टिविटी का पॉइंट नंबर वन आप समझ चुके हैं. अब पॉइंट नंबर टू में आपको अल्फा बीटा और गेमा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन सब के डिस्क्रिप्शन बताता हूं. पॉइंट नंबर टू, याद रखें जो अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे होता है इसका चार्ज होता है डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव. इसका स्पीड बहुत कम होता है और इसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन भी है
वो बहुत कम होता है, लो होता है, और इसका मास जो है वो 4 times मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होता है, 4 times मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होता है। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल का जो आयनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है सो इट डिक्रीजेस एटॉमिक मास बाय 4। अगर किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो उसका एटॉमिक मास 4 कम होगा, और इट डिक्रीजेस एटॉमिक नंबर बाय 2। एटॉमिक नंबर में 2 की कमी लाता है। इसके बरक्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि जो बीटा पॉजिटिव है उसके हालात क्या हैं, तो बीटा पॉजिटिव +1 0 से जाहिर होता है, अल्फा पार्टिकल 2He4 से जाहिर होता है। बीटा पॉजिटिव ये है और बीटा नेगेटिव का सिंबल ये है, ये बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव के सैंपल हैं। ये याद रखिए, अगर स्टेटमेंट और क्वेश्चन में सिर्फ आए बीटा पार्टिकल देन यू हैव टू प्रेफर बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव को सिर्फ बीटा भी कहते हैं, बीटा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाना लाजमी है। सो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, इन सब का स्पीड ज्यादा होता है, इन दोनों का, इनका मास जो है वो कम है, इनका चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बस फर्क सिर्फ ये है कि एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। और इनका स्पीड ज्यादा मास कम, इस वजह से इनका पेनिट्रेशन तो ज्यादा है अल्फा से, लेकिन इनका आयोनाइजेशन जो है वो कम है, बिकॉज आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसके अलावा याद रखना, जब बीटा नेगेटिव इमिट होगा, नेगेटिव बीटा इमिट होगा तो एटॉमिक मास अनचेंज रहेगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि एटॉमिक नंबर नेगेटिव इमिट होगा तो इंक्रीज बाय 1, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अच्छा, इससे एक बात याद आ गई, मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स QCA बुक की शेयर की थी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के, वहां से मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट लेकर या पिक्चर लेकर मुझे सेंड किया कि सर आपने बीटा पॉजिटिव के एमिशन के बाद भी आपने Z+1 लिखा है, तो मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर बीटा पॉजिटिव था क्वेश्चन में तो एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज बाय 1, Z-1 कर दें, और अगर बीटा नेगेटिव हो तो फिर इंक्रीज बाय 1, Z+1। सो नेगेटिव बीटा अगर इमिट होगा तो एटॉमिक मास अनचेंज और एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, लेकिन अगर पॉजिटिव बीटा इमिट होगा तो याद रखिए एटॉमिक मास अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि एटॉमिक नंबर जो है दैट विल बी पॉजिटिव है तो डिक्रीज बाय 1, ये हो जाएगा डिक्रीज बाय 1। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एटॉमिक नंबर में 1 की कमी, और नेगेटिव बीटा पार्टिकल एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा करता है, अल्फा एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी करता है। याद रखो गेमा रे या गेमा पार्टिकल, इसका कोई पार्टिकुलर सैंबल नहीं है, इसका कोई पार्टिकुलर सैंबल नहीं है, और याद रखना कि इसका स्पीड जो होता है v वो c के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसका मास इज 0, इसीलिए इसका आयनाइजेशन मिनिमम होता है, लेकिन इसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है, बाकी सारे रेडिएशन से इसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इसका चार्ज भी 0 होता है, और फर्दर मोर जब ये इमिट होता है तो एटॉमिक मास भी अनचेंज रहता है और एटॉमिक नंबर भी अनचेंज रहता है। किसी भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद में से फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट नंबर 2 है। वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द मेन पॉइंट्स एंड MCQs ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो पॉइंट नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 ये है कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बेक्वेरन, ये बेक्वेरन ने डिस्कवर किया था और 1896 में डिस्कवर किया था। रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्वेरन इन 1896। पॉइंट नंबर 4 में आपको बताता हूं कि डीके क्या है। व्हाट इज डीके? डीके का मतलब होता है डिक्रीज इन न्यूक्लियाई, डिक्रीज इन न्यूक्लियाई। क्या मतलब है इसका? फर्ज करो ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है,
और फर्ज करो इसमें ए नेचर के न्यूक्लियाई हैं, सारे न्यूक्लियाई ए नेचर के हैं। इतना तो आप जानते हैं कि जब कोई न्यूक्लियस रेडिएशन इमिट कर देता है तो वो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, वो न्यूक्लियस नहीं रहता, कोई और बन जाता है, लेकिन ओरिजिनल न्यूक्लियस तो बर्बाद हो गया। सो देखो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जो इनिशियल न्यूक्लियाई है अभी इसने इमिशन नहीं किया, रेडिएशन इमिट नहीं किया, इट इज डिनोटेड बाय एन नॉट, और ये 14 है, ये क्या है 14 है, रेडिएशन स्टार्ट हो गए, इसने रेडिएशन इमिट किया और इससे ये बर्बाद हो गया, फिर इसने रेडिएशन इमिट किया ये बर्बाद हो गया, इसने रेडिएशन इमिट किया ये नेस्तो नाबूद हो गया। इस तरह एक एक न्यूक्लियस रेडिएशन इमिट करता है और खत्म होता जाता है। अच्छा, किसी टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम ऑफ टी या सम टाइम टी ये जो पोर्शन रह गया है ये है फाइनल न्यूक्लियाई, और इन फाइनल न्यूक्लियाई का सिंबल है एन। रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस में एन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रिमेनिंग न्यूक्लियाई और एन नॉट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इनिशियल न्यूक्लियाई। तो यहां कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फाइनल 10 है। डिग्रीज कितना आया माय डियर स्टूडेंट्स, डिग्रीज आया 4। इसी डिग्रीज को डीके बोलते हैं, इसी डिग्रीज को डीके बोलते हैं। डीके मीन के एक पार्टिकुलर टाइम में कितने न्यूक्लियाई आया हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट, डीके चूंकि डिग्रीज है, एक चेंज है, तो डेल्टा एन से रिप्रेजेंट होता है, और इसका फॉर्मूला है इनिशियल न्यूक्लियाई माइनस फाइनल न्यूक्लियाई। डीके इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल न्यूक्लियाई माइनस फाइनल न्यूक्लियाई। पॉइंट नंबर फाइव क्या है? पॉइंट नंबर फाइव है के रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके का मतलब ये है कि डीके डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ डीके इज एक्चुअली डीके डिवाइड बाय टाइम। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन करो कि कितने न्यूक्लियाई आया हो गए तो आप डीके का पूछ रहे हो, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि सर इस पार्टिकुलर एलिमेंट के कितने टाइम में कितने न्यूक्लियाई आया हो गए, तो मैं कहूंगा कि शॉर्टकट कहो डीके, सॉरी एक्टिविटी क्या है या रेट ऑफ डीके क्या है। ये भी याद रखें कि रेट ऑफ डीके का दूसरा नाम एक्टिविटी है, इसका दूसरा नाम एक्टिविटी है, एंड इट इज डीके पर यूनिट टाइम, और इट इज डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी। पॉइंट नंबर 6, वी आर डीलिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6, द यूनिट ऑफ एक्टिविटी एक्टिविटी का जो यूनिट है या रेट ऑफ डीके का जो यूनिट है, रेट ऑफ डीके एंड एक्टिविटी आर सेम, दैट इज बेक्वेरल। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसका क्यूरी जो है सीआई, क्यूरी इसका कोई और यूनिट है, अदर यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है क्यूरी। और ये बात याद रखें कि अगर एक न्यूक्लियस ठिकाने लग जाए, एक न्यूक्लियस ठिकाने लगे एक सेकेंड में, तो जो एक्टिविटी होगी यू हैव टू कॉल इट वन बेक्वेरल। एक सेकेंड में एक न्यूक्लियस का लॉस वन बेक्वेरल है, एक्टिविटी वन बेक्वेरल है, रेट ऑफ डीके वन बेक्वेरल है, और वन क्यूरी जो होता है वो 3.7 × 10⁻¹⁰ बेक्वेरल के बराबर होता है। ये है पॉइंट नंबर 6। नाउ लेट मी शेयर पॉइंट नंबर 7 अबाउट रेडियो एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या बताना है, पॉइंट 7 में ये बताना है इसे कहते हैं हाफ लाइफ। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके बारे में कमेंट्स किए, मुझे मैसेजेस किए कि सर हाफ लाइफ पे बात करें, तो जनाब बातें भी कर रहा हूं और एमसीक्यूज भी ज्यादातर हाफ लाइफ से रिलेट करूंगा ताकि आपकी ख्वाहिश पूरी हो। हाफ लाइफ क्या है? इट इज वो टाइम जिसमें किसी एलिमेंट का बिल्कुल यानी एग्जैक्ट हाफ क्वांटिटी डीके हो जाए, यानी खत्म हो जाए, जब एग्जैक्ट आधी मिकदार खत्म, द टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। याद रखना कि जो इनिशियल होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर से रिप्रेजेंट होता है, मास से कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से कर सकते हो, और परसेंटेज से। इनिशियल कंसंट्रेशन
मास न्यूक्लियाई परसेंटेज तीनों से कर सकते हो। अगर परसेंटेज होगा तो इनिशियल मस्ट बी 100%, अगर न्यूक्लियाई होगा तो इनिशियल इज एन नॉट, और अगर मास होगा तो इनिशियल इज एम। कैपिटल एम लेते हो या स्मॉल एम लेते हो, यह आपकी अपनी मर्जी है या क्वेश्चन देने वाले की मर्जी है। अब हाफ लाइफ क्या है, मतलब क्या है, ये एक सैंपल है, इसकी इनिशियल मिकदार है रेडिएशन इमिट करने से पहले, इनिशियल मिकदार 100% है, या मास एम है या न्यूक्लियाई एन नॉट है। न्यूक्लियाई याद करते हो, मास याद करते हो, परसेंटेज याद करते हो, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बाद में परसेंटेज, बाद में न्यूक्लियाई, बाद में मासेस। आप इतना तो जानते हो कि जब इसके न्यूक्लियाई रेडिएशन इमिट करेंगे तो अपने न्यूक्लियाई जाया होंगे इसके और कम होते जाएंगे। टाइम गुजर रहा है, द टाइम इज रनिंग, और टाइम बढ़ रहा है। यहां पर जनाब अब इसके अपने नेचर के न्यूक्लियाई 50% रह गए, यानी मास रह गया m by 2 या न्यूक्लियाई रह गए n not by 2। तो एग्जैक्ट आधी मिकदार अल्लाह को प्यारी हो गई और आधी मिकदार बाकी है। दिस पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ, इस पार्टिकुलर टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं, और डिटेल कहें तो फर्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाय कैपिटल T1/2, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां मौका है आपको बता दूं कि हाफ लाइफ ओनली डिपेंड्स अपॉन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। हाफ लाइफ ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है, यानी यूरेनियम और थोरियम का हाफ लाइफ कभी भी सेम नहीं होता, रेडियम और प्लूटोनियम का हाफ लाइफ कभी भी कयामत तक भी सेम नहीं होगा, चाहे आप इनके टेम्परेचर बढ़ा दें, कंसंट्रेशन कम ज्यादा कर दें, माहौल चेंज कर दें, एनवायरनमेंट चेंज कर दें, उनको बम्बार्ड करें किसी पार्टिकल से, एक कितनी कंसंट्रेशन ले लें, कितनी कंसंट्रेशन ले लें, लेकिन नेचर अलग है तो हाफ लाइफ अलग है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर, सो देयरफॉर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ, डिफरेंट एलिमेंट्स have different half-lives. मेरी बात जरूर मानिएगा, हाफ लाइफ का एक छोटा पैराग्राफ बुक में हम पढ़े, मुझे याद नहीं है वरना मैं लिख लेता, कुछ एलिमेंट्स के हाफ लाइफ के वैल्यूज गिवन है, मैं गलत लिखना नहीं चाहता और याद नहीं है, सही बात है। तो आप वहां से 3-4 एलिमेंट के हाफ लाइफ गिवन है वो याद रख के आ सकते हैं कि थोरियम का हाफ लाइफ कितना है, यूरेनियम का हाफ लाइफ कितना है, या रेडियम या प्लूटोनियम का हाफ लाइफ कितना है। जो बुक में 3-4 एलिमेंट है सिर्फ उनके हाफ लाइफ के वैल्यूज याद करें, ये काफी है। Different elements have different half-life because it depends upon nature. But याद रखना, for single element या for same element, first half-life is equal to second half-life, is equal to third half-life, and so on and so on. यानी इधर का मतलब है कि first करो 100 से 50% तक अगर 10 second लगे तो पहला half-life 10 second है। तो यही एलिमेंट जब 50 से 25% पर जाएगा और m by 4 पे जाएगा या n not by 4 पे जाएगा तो जो सेकेंड हाफ लाइफ है इसकी ये फिर भी 10 सेकेंड होगी, क्योंकि नेचर तो सेम है। यहां 2000 न्यूक्लियाई थे और यहां 1000 है, बट 2000 और 1000 का नेचर सेम है तो हाफ लाइफ तो सेम रहेगा। जब तक नेचर सेम रहेगा तब तक हाफ लाइफ सेम रहेगा, ये सिंपल सी बात है। सो हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द एलिमेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता, और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर, डीके कांस्टेंट, नेचर इज डीके कांस्टेंट। सो लेट मी प्रोसीड, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ्स, और माय डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि कम से कम हाफ लाइफ फ्यू मोमेंट्स हैं और ज्यादा से ज्यादा हाफ लाइफ थाउजेंड्स ऑफ एयर्स में है, वो एलिमेंट जरूर देखिएगा। हमारा है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में आपको बता रहा हूं डीके लॉ। व्हाट इज डीके लॉ? डीके लॉ स्टेट्स कि जो रेट ऑफ डीके है, जो रेट ऑफ डीके है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल न्यूक्लियाई। अगर इनिशियल न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तो रेडिएशन भी जल्दी जल्दी इमिट होंगे, और रेडिएशन जल्दी जल्दी इमिट होंगे तो रेट ऑफ डीके ज्यादा होगा। सो रेट ऑफ डीके का मतलब डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल न्यूक्लियाई एन नॉट।
ये कांस्टेंट हटाते हो, सो डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एन नॉट आएगा। इस कांस्टेंट को मोहतरम हजरत ने नाम दिया है डीके कांस्टेंट का, इट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। इसका सिंबल है लैम्डा, इसका सिंबल है लैम्डा, और इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव आती है। नेगेटिव क्यों आती है? बिकॉज इस प्रोसेस में न्यूक्लियाई में क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। सो द नेगेटिव विद लैम्डा रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन न्यूक्लियाई। ठीक है, नेगेटिव भी है बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। क्यों मुख्तलिफ होती है? क्योंकि यही तो नेचर है, ऐसा बोले यही तो नेचर है, और मुख्तलिफ एलिमेंट्स का नेचर मुख्तलिफ होता है, और यही तो नेचर है। डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई इफ इट रिप्रेजेंट्स नेचर एंड नेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, सो डीके कांस्टेंट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। डीके कांस्टेंट डिफरेंट है माय डियर स्टूडेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। चलिए जरा इसको प्रोसीड करें, और डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज माइनस लैम्डा एन नॉट, इट इज द फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके लॉ। ये टाइम है जितने टाइम तक रेडिएशन जारी रहे, रेडिएक्टिविटी जारी रहा, ये न्यूक्लियाई का डिक्रीज है, ये नेचर ऑफ द एलिमेंट है जिस एलिमेंट का आप रेडिएक्टिविटी पढ़ रहे हो, और ये उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था, और नेगेटिव साइन शोज के इस प्रोसेस में इस एलिमेंट को अपने न्यूक्लियाई की कुर्बानी देना पड़ रही है। आफ्टर कैलकुलेशंस एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस द लॉ कैन बी रिटन एज एन इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस टी लैम्डा। N is remaining, yeah, it is final nuclei, or N naught is initial nuclei. It is 2.718, just pure number, or T time of decay, and lambda is nature of the element. So it is integrated or exponential form of decay law. ये दोनों mathematical form हैं decay law के. Decay law के बाद point number 9, radioactivity का point number 9. और पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9 है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हाफ लाइफ जो होता है दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ का नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट, यानी हाफ लाइफ का और डीके कांस्टेंट का कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। वजह बताएं, क्योंकि डीके कांस्टेंट डिस्टरबेंस को शो करता है, और डिस्टरबेंस जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी इमिशन होगा तो हाफ लाइफ कम होगा, और अगर डिस्टरबेंस कम होगा तो स्लो इमिशन होगा, हाफ लाइफ ज्यादा होगा। एनी हाउ इनवर्स रिलेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 0.693 के बराबर है, तो यू कैन राइट इट एज वेल दैट हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट, इसके भी बराबर है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 9 में ये भी याद रखिए कि डीके कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज सेकंड इनवर्स, और इट्स डायमेंशन इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी। पॉइंट नंबर 10, द 1 ओवर लैम्डा यानी रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू मीन लाइफ, द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द मीन लाइफ ऑफ ए रेडिएक्टिव सैंपल इफ इट्स डीके कांस्टेंट इज 0.01 पर ईयर, तो इट मींस के 1 ओवर 0.01 ले लें, 100 आएगा तो 100 ईयर इसका मीन लाइफ होगा, 100 ईयर इसका मीन। 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू जो है वो मीन लाइफ होती है, अगर लैम्डा पर ईयर हो तो ईयर्स में आएगा मीन लाइफ, अगर पर सेकंड हो तो सेकंड में आएगा मीन लाइफ, अगर पर मिनट हो तो मिनट में आएगा मीन लाइफ, एंड सो ऑन। पॉइंट नंबर 11, और ये था जनाब मीन लाइफ, रेडियोएक्टिविटी, हाफ लाइफ, और ये सब आपको क्लियर हो गए। द लास्ट पॉइंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जो इन्वॉल्व है वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके ऑफ एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पीछे
उसका जो डीके है, जो रेडिएटिविटी है, जो इमिशन है, जो प्रोसेस है, ये अनस्टेबिलिटी की वजह से है. एंड द अनस्टेबिलिटी इज कॉज्ड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सारे पॉइंट्स जो आपके जहन में होंगे ये, तो इंशाल्लाह आप रेडिएटिविटी से आने वाले क्वेश्चंस को फेस कर सकते हो. एमसीक्यूज भी शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं रेडिएशंस पे कुछ बातें करूं तो फिर आपके नाम कुछ एमसीक्यूज करूंगा. रेडिएशंस वैसे तो बहुत ज्यादा है. न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जो रेडिएशंस हैं वो है अल्फा रेज, बीटा रेज और न्यूट्रॉन्स और एक्स रेज और गैमा रेज. एटलीस्ट ये आपको इनके यूजेस वगैरह पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट, रेडिएशन के पहले आपको इफेक्ट पढ़ाता हूं कि इफेक्ट क्या होते हैं. There are two types of effects of radiations. Effects दो तरह के होते हैं. एक होता है somatic और एक होता है genetic. Somatic और genetic. Somatic जो है ये observer पर होता है. हर वो effect जो on the spot observer पर हो, जो observer of radiation पर हो. रेडिएशन का जो ऑब्जर्वेशन करता है उस ऑब्जर्वर पर इफेक्ट हो, दैट इज सोमेटिक. और जेनेटिक वो होते हैं जो ऑब्जर्वर के आने वाले बदकिस्मत नस्लों पर हो. फर्ज करें सर बिलाल बायो वाले यूरेनियम पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता उसके पोते के पोते में कुछ असरात ऐसे मिले, तो देयर विल बी जेनेटिक इफेक्ट. तो जनाब जेनेटिक इफेक्ट और सोमेटिक इफेक्ट आप फर्क समझ गए. जो ऑब्जर्वर रेडिएशन पे काम करेगा उस पर जो असर होगा वो सोमेटिक. उसके आने वाले नस्लों में जो असर नुमाया होते हैं, जो इफेक्ट, जो डिसेबिलिटीज आते हैं वो जेनेटिक. एग्जाम्पल क्या है? हाइपरटेंशन, हार्ट बीट का तेज हो जाना, सर में दर्द होना, स्किन बर्न, रेटिना डैमेज, आई लेंस डैमेज, ये सारे इफेक्ट्स ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वर को होते हैं रेडिएशन की वजह से. दे आर सोमेटिक. बट डिसेबिलिटी बाय बर्थ और मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटल ग्रोथ का ना होना या फिजिकल ग्रोथ का ना होना या टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सारे बर्थ पर जो चाइल्ड पैदा होते हैं, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स या किडनी फेलियर पैदाइश के साथ साथ शुगर लेवल उसमें इतना ज्यादा होता है कि किडनी वर्किंग जो है वो डैमेज होते हैं, दीज आर ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ रेडिएशन जो ऑब्जर्वर के जीन्स को मुतासर कर चुके होते हैं, तो उनके नस्लों में अफेयर होते हैं. उम्मीद है आप इफेक्ट्स तो समझ गए हैं. सोमेटिक और जेनेटिक में आप फर्क जरूर कर सकते हैं. फर्दरमोर मैं आपको रेडिएशन के अब यूजेस बता रहा हूं. सो रेडिएशन के मेन यूजेस क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन बस एहतियात के लिए आपको इन तीन चार के मेन यूजेस बता रहा हूं. अल्फा रेज जो है, दीज आर द बेस्ट आयोनाइजर्स ऑफ एटम्स. दीज आर द बेस्ट आयोनाइजर्स ऑफ एटम्स. ये एटम्स के बेस्ट आयोनाइजर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में हमारे काम आते हैं अल्फा रेज. और ये आल्सो यूज्ड इन ब्रीडिंग प्रोसेस. अल्फा रेज ब्रीडिंग प्रोसेस में भी यूज होते हैं. ब्रीडिंग प्रोसेस में नॉन फिजनेबल आइसोटोप को फिजनेबल बनाने के लिए अक्सर नॉन फिजनेबल आइसोटोप को अल्फा रेज से हिट किया जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीडिंग. सो अल्फा रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस्ट आयोनाइजेशन एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन मेजर केसेस एज ब्रीडिंग एज अ ब्रीडर पार्टिकल. बीटा रेज के कुछ खास ज्यादा यूजेस नहीं है मेडिकल या एग्रीकल्चर साइड में, बट यू कैन ट्रेस, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रेसिंग और इवैल्यूएटिंग डेंसिटीज ऑफ गैसियस मीडिया. गैसियस मीडिया की डेंसिटी मालूम करने के लिए काम आते हैं, कुछ खास इनका कोई यूज नहीं है. न्यूट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन. स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन दो तरह के बीम्स हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स एंड फास्ट. स्लो मींस जो न्यूक्लियस के अंदर एंटर तो हो दूसरी तरफ ना निकले, और फास्ट मींस जो दूसरी तरफ निकल सके, आयनाइजेशन कर सके. तो याद रखना, स्लो न्यूट्रॉन के दो करतूत हैं, दो कारनामे हैं.
अगर आप इसको न्यूक्लियस पर फेंकोगे तो दो काम करेंगे, पहला या तो ये स्लो न्यूट्रॉन है तो या नया आइसोटोप बनाएगा या न्यू आइसोटोप आर्टिफिशियल आइसोटोप बना देता है और या फ्यूजन कर देता है, इन दोनों में कोई एक काम करेगा। जब भी स्लो न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस को हिट करेगा तो या वो वहां जाकर आइसोटोप बना देगा नया आर्टिफिशियल और या फ्यूजन कराएगा, और फास्ट न्यूट्रॉन आयोनाइजेशन करता है। इट इज यूज्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन के बीम्स यूज होते हैं एंड दैट आर द यूजेस। एक्सरेस जो है, एक्सरेस के जो मेजर यूजेस हैं वो डायग्नोस के सिलसिले में है। एक्सरेस आर यूज इन डायग्नोस प्रोसेसेस, जैसे कि आप जानते हैं एनालिसिस एंड डायग्नोस, एनालिसिस आर डायग्नोस, डायग्नोस पर्पसेस आर प्रोसेसेस में यूज होते हैं, जैसे कि बोन फ्रैक्चर ट्रेस करना, ये एक्सरे का काम है, सीटी स्कैन करना, इसमें एक्सरे है, एमआरआई में एक्सरे यूज होते हैं। तो मेडिकल साइड में डायग्नोज और एनालिसिस के फैक्टर्स में एक्सरे की यूजेस काफी ज्यादा है, रियल यूज इन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में बहुत कम यूज होते हैं। और गेमा रेज जो है ये पेयर प्रोडक्शन में यूज होते हैं, इसके अलावा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होते हैं। गेमा रेज जो है दे आर यूज इन कॉम्प्टन इफेक्ट एज वेल, और गेमा रेज जो है ये ट्रीटमेंट पर्पसेस में भी यूज होते हैं और इंडस्ट्री में भी इसके काफी यूजेस हैं। क्रैक्स ऑफ मटेरियल, इंटरनल क्रैक्स ऑफ मटेरियल वगैरह, ये हम इससे ट्रेस करते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स बनाते हो या रॉकेट्स बनाते हैं या बुलेट ट्रेन्स बनाए जाते हैं, उनके सेंसिटिव मटीरियल्स को हम इंटरनल क्रैक्स ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लीकेज भी इससे ट्रेस हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई ट्रेसिंग टेक्निक्स इसमें होता है। ये दीज आर द डिफरेंट यूजेस, मैंने बहुत काम बताए, आप अपने बुक का रेडिएशन के यूजेस का एक पेज जरूर पढ़ लें, शायद ही कोई पॉइंट हो, इंपॉर्टेंट हो और आपकी किस्मत में उसका क्वेश्चन लिखा हो तो उसको रीड कीजिएगा। अब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के पीएमसी सिलेबस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी शेयर सम एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, हाफ लाइफ से ही इब्तिदा करते हैं। अगर मैं कहूं दैट अ सैंपल, a sample takes 12 hours for 7 over 8 decade, a sample takes 12 hours for 7 over 8 decade, what is the half life, what is the half life? Option A, it will be 12 hours. Option B, it will be 6 hours. Option C, it will be 3 hours. और option D, it will be 4 hours. तो बहुत आसान सी बात है। देखो 7 by 8 decay का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 8 nuclei थे और 7 चले गए, 7 चले गए, रुखसत हो गए। 7 by 8 decay, 7 by 8 undecay का मतलब है, अनडीके का मतलब होगा कि 8 थे 7 रह गए, लेकिन 7 by 8 डीके का मतलब है कि 8 थे 7 चले गए। तो जरा परफॉर्म तो करें, आप कहें सर 8 थे तो 8 से शुरू करें, 7 चले गए, कैसे चले गए, आधे आधे मकदार में जाएंगे ना। तो आप कहें सर 8 से 4 और 4 से 2 और 2 से 1, यानी 8 न्यूक्लियाई थे और एक न्यूक्लियस है, जब 8 थे और जब 8 थे और 1 है तो कितने चले गए, तो स्वाभाविक सर 7 चले गए ना, 8 थे अब 1 है तो 7 चले गए, इसे कहते हैं 7 by 8 decay जो मैंने ड्रॉ किया। अब इन्होंने कहा कि 8 से 1 तक का ये सफर टोटल 12 आवर का है, हाफ लाइफ कितना है, तो ये एक हाफ लाइफ जो आधी मिकदार हो हाफ लाइफ, यानी 12 आवर में कितने हाफ लाइफ है, 1 2 3, तो आप कहेंगे कि 3 बार हाफ लाइफ 12 के बराबर है, तो एक हाफ लाइफ होगा 12/3 यानी 4 आवर्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है
that if the half life of an element, if the half life of an element is 3 hours, then the ratio of time duration लिखते हैं, the ratio of durations for 1/64 and 1/16 decay is option A. Option A it will be 3:4. Option B it will be 4:5. Option C it will be 2:3 और ऑप्शन डी ना. मुझे इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ आइडिया सिखाना है. मैंने इसको माइंड में रन किया लेकिन रन नहीं हुआ, इसलिए मैंने एहतियात नॉन ले लिया. हो सकता है आंसर ना हो बट आप सॉल्व करोगे. देखो 1/64 डीके यानी 64 में एक का बाकी रह जाता. 1/64 ये अनडीके कर देता कि आप कंफ्यूज ना हो. अनडीके है जनाब. अनडीके का मतलब है कि इतना रह गए, 64 में 1 रह गया और 16 में 1 रह गया. तो इसका ड्यूरेशन लेने आप मुझसे कहेंगे सर रेशो मांग रहे हो और ड्यूरेशन का मांग रहे हो, दोनों ड्यूरेशंस का मांग रहे हो. ठीक है, ये 64 से 1 तक का और ये 16 से 1 तक का. तो हर्जी क्या है, ले लेते हैं. इसमें बहुत इजी है. 64 32 16 8 4 2 और 1 कितने हाफ लाइफ, 1 2 3 4 5 6 यानी 64 से 1 तक के 6 हाफ लाइफ है. एक हाफ लाइफ है 3 घंटों का, तो 6 हाफ लाइफ होंगे 6 × 3. 6 हाफ लाइफ है और एक हाफ लाइफ 3 का है. 16 से 1 तक काउंट करें यहां से, तो 1 2 3 4 ये 4 हाफ लाइफ है और एक हाफ लाइफ है 3 का, तो 4 हाफ लाइफ है और 3 3 3, तो पहले फुर्सत में कैंसिल करें और ये कैंसिल, तो द रेशियो विल बी 3:2. ओहो नहीं हुआ, ये मुझे 3:2 लिखना चाहिए. एनी हाउ उम्मीद है आप क्वेश्चन तो समझ गए हैं. करेक्ट आंसर प्लान है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 3:2. लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू पीपल. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. If 7/8 of an element, 7/8 decay of an element takes 12 hours. अगर 7/8 decay 12 hours लेता है, then the correct decay, the correct form of undecay after 24 hours. 24 hours के बाद correct form of undecay क्या होगा? Option A 1/128. Option B 1/32. Option C 1/64. और नाम ले लेता हूं कि जहन में डेटा तो आ रहा है, शायद गलत लिखा. इफ 7/8 डीके ऑफ एन एलिमेंट टेक्स 12 आवर्स. अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट ने सेंड किया था इस आइडिया पे क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई मैंने कोशिश की कि रिकॉल हो जाए मेमोरी, लेकिन लफ्ज शायद चेंज हो गए. आइडिया इंशाल्लाह वही होगा. इफ 7/8 डीके ऑफ एन एलिमेंट टेक्स 12 आवर्स. 7/8 डीके का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि 8 में से 7 का रुखसत हो जाना, इट इज डीके. तो कहने का मतलब है कि 8 न्यूक्ली आए थे, इससे 7 जाया हो गए, तो कितने रह गए, 1 रह गया. 8 में से 7 जाया तो 1 रह गया. 8 में से 4 रहेगा, 4 में से फिर 2 आएगा और 2 से फिर 1. कितने हाफ लाइफ है, तो आप आंसर 3 हाफ लाइफ. 3 हाफ है, 7/8 डीके का मतलब होता है 3 हाफ लाइफ. 7/8 डीके मीन 3 हाफ लाइफ, और 3 हाफ लाइफ का ड्यूरेशन कितना है, आप आंसर 12 आवर्स.
So if 3 half lives is 12 hours, तो एक half life होगा 12 by 3, 4 hours. एक half life है 4 hours. ठीक है, सही है. अब आपको जो टाइम मिला है, वो है 24 hours. 24 hours में कितने half life आते हैं, पहले ये बताएं. कितने half life आते हैं? तो आप कहेंगे सर आसान है, इसको half life की तादाद half life पे डिवाइड करो. So number of half lives, is equal to time divided by half life. याद रखना ये number of half life का formula है. Time divided by half life और time है 24 और half life है 4. It mean कि इसमें 6 half lives आते हैं. अब आपने सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन से option का ताल्लुक 6 half life से है. तो draw करें, आप उम्मीद है समझ जाओगे. ये draw करें. 128 से शुरू करें. तो पहले ये half होगा और ये 64 बन जाएगा. फिर ये हाफ होगा 32, फिर ये हाफ होगा 16, फिर ये हाफ होगा 8, फिर ये हाफ होगा 4, फिर ये हाफ होगा 2 और फिर ये हाफ होगा 1. हाफ लाइफ गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. लेकिन हमारे पास कितने हैं 6, तो ये तो गलत हुआ. 1 ओवर 128 में 7 हाफ लाइफ आते हैं, 6 नहीं आते हैं. हमें तो 6 का बताना है. अब बेवकूफ ही होगा जो इसको ट्रेस करेगा. फौरन उसको समझ जाना चाहिए कि यही ठीक है, क्योंकि इट मीन के 7 हाफ लाइफ से ये एक हटा देना है तो कितने रह गए 6, और हमें भी 6 वाला ढूंढना है. यानी 64 से 1 तक का सफर 24 आवर में होगा. तो 64 से 1 तक का ऑप्शन ये क्या है, ये ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 4 एट दिस टाइम. क्वेश्चन नंबर 4 है, टू एलिमेंट्स हैविंग एक्टिविटी ऑफ 1 क्यूरी एंड 1 बेक्वेरल. टू एलिमेंट्स हैविंग एक्टिविटीज ऑफ 1 क्यूरी एंड 1 बेक्वेरल, देन their half-lives are related ends. उनके half-life जो हैं, वो relate हो सकते हैं. आप half-life का नहीं करते, ये थोड़ा out of boundary हो जाएगा. Two elements having activities of 1 curie and 1 becquerel, then if A is activity of first and B is activity of second. So option A, A is equal to B, A is greater than B, A is less than B, or option D are possible. बिल्कुल भी are possible नहीं है. आप जानते हैं कि 1 curie is equal to 3.7 into 10 raised to power 10 becquerel. It means कि क्यूरी बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और becquerel उसके मुकाबले में बहुत छोटा यूनिट है. So जिसकी एक्टिविटी 1 becquerel है वो कम है, और जिसकी एक्टिविटी 1 क्यूरी है वो बहुत ज्यादा है. So actually A is greater than B. अगर मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन करूं, जाते जाते रेडिएशन का क्वेश्चन कोई कंसेप्चुअल नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेटिव होता है, सो कर लेता हूं एक सिंपल. दैट अगर मैं कहूं कि एबनॉर्मल हार्ट बीट, और सेकेंड ले लूं मेंटल डिसएबिलिटी इन चाइल्ड, और थर्ड ले लूं हाई ब्लड प्रेशर, रिप्रेजेंट विच इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. ऑप्शन ए जेनेटिक, सोमेटिक, जेनेटिक. ऑप्शन बी
सोमेटिक 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 और ऑप्शन सी सोमेटिक जेनेटिक सोमेटिक और ऑप्शन डी नॉन। तो भाई यहां से देखो, हार्ट बीट का तेज हो जाना ऑन द स्पॉट होता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, तो ये सोमेटिक है, ऑन द स्पॉट मीन ऑब्जर्वर को होगा सोमेटिक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चाइल्ड या एबनॉर्मेलिटी इन चाइल्ड, ये है जेनेटिक, आने वाले नस्लों से ताल्लुक है। और हाई बीपी भी ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वर का होता है, तो इट इज ऑल्सो अ सोमेटिक इफेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सोमेटिक जेनेटिक एंड सोमेटिक, सोमेटिक जेनेटिक एंड सोमेटिक ऑप्शन सी ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आप इतना देखते हो मुझे, सुनते हो मुझे और तारीफ भी कर लेते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपकी जरूरतें पूरी हों, आपकी ख्वाहिशें पूरी हों और आपके अरमान भी अधूरे ना हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।